साउथ चाइना सी पर कौन करना चाहता है कब्जा और कंगाल पाकिस्तान को अब क्या झटका लगने वाला है। दुश्मन मुल्कों की साजिश से जुड़ी खबरों के लिए देखिए दुश्मन चीन पाक टॉप 9। साउथ चाइना सी पर चीन कब्जा करना चाहता है। साउथ चाइना सी में अमेरिका को रोकने के लिए चीन एंटी एक्सेस एरिया डिनायल स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है ताकि हथियारों के दम पर अमेरिका का रास्ता रोका जा सके। अमेरिका से भिड़ने के लिए चीन पीएलए को हाईटेक बनाने में जुटा है। चीन ने पुराने J-7 फ्लाइंग लेपर्ड्स हटाकर उनकी जगह J-16 मल्टी रोल जेट्स शामिल किए हैं। J-16 के पहले बैच को पीएलए के वेस्टर्न थिएटर कमांड में तैनात किया गया है। एलएसी पर भारत की तैयारी से चीन डरा हुआ है। पीएलए को मिल रहे झटकों के बाद राष्ट्रपति जिनपिंग ने खुद ही लद्दाख बॉर्डर पर तैनात चीनी सैनिकों से बातचीत की, जिसके बाद पीएलए जवानों के मातृभूमि की रक्षा की शपथ लेने वाला वीडियो सामने आया। चीन से तनाव के बीच भारतीय वायुसेना एलएसी के करीब एक्सरसाइज प्रलय करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस वॉर ड्रिल में राफेल, सुखोई, मेग, हरक्यूलिस, चिनूक और अपाचे की ताकत दिखेगी। S-400 की निगरानी में ये ड्रिल 1 से 5 फरवरी तक चलेगी। चीन पाक को चुनौती देने के लिए भारतीय नेवी में जल्द ही INS वागीर को शामिल किया जाएगा। 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी वागीर को 23 जनवरी को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इसे मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। चीन से आर्थिक मदद की उम्मीद लगाए बैठे पाकिस्तान ने चीन को लूनर न्यू ईयर की शुभकामनाएं भेजी हैं। पाकिस्तानी राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति विभाग की सचिव फनीना मजर ने चीन में 21 जनवरी से शुरू हुए चीनी न्यू ईयर पर बधाई संदेश भेजा है। कंगाल पाकिस्तान को एक और झटका लग सकता है। विदेशी जहाजरानी कंपनियां अपनी सेवाएं बंद कर सकती हैं। जहाजरानी एजेंटों ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि कई कंपनियां अपनी सेवाएं रद्द करने पर विचार कर रही हैं। ऐसी स्थिति में देश के सभी निर्यात ठप हो सकते हैं। दुनिया के मुल्कों में कटोरा लेकर भीख मांगने वाले पाकिस्तान के पीएम को वहां के सबसे अमीर बिजनेसमैन मियां माशा ने भारत की शरण में जाने की सलाह दी थी, लेकिन उस समय सत्ता मिलने के गुरूर में पीएम शहबाज शरीफ ने मानशा की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। पाकिस्तान में इस हफ्ते महंगाई दर 31.83% तक पहुंच गई। पाकिस्तान में खाने पीने के सामान पिछले एक साल में रिकॉर्ड 50% तक बढ़ चुके हैं।